नमस्कार दोस्तों, मोनू देसी ब्लॉग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं ईंट वाले भट्ठा पर। जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये ईंट वाला भट्ठा है और ये साइड में जो है कि ऊंट से ईंट की भराई करते हैं भट्ठे के अंदर। तो आप लोगों को मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ कैसे करते हैं और कितना ईंट लाते हैं, तो मैं पूछने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और हमारे चैनल पर अगर पहली बार हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर दीजिए। दोस्तों नमस्कार भैया, आपका नाम क्या है? महेंद्र कुमार यादव जी। भैया ये जो आप ऊंट पर ईंट लाद रहे हैं, मतलब कि कितना ईंट लादते हैं इसके ऊपर? 125 यानी 125 जी। और जैसे मतलब आप ही लाते हैं 125 कि सब लाते हैं? सब 125 लाते हैं जी। जी तो जैसे इतना लाते हैं तो इनको प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी? और इसके पैर में जो ये लगाए हुए हैं टीप क्या वगैरह किस लिए लगाते हैं ये? अच्छा अच्छा, इसके पैर में चोट लगने का डर रहता है इसलिए लगा देते हैं ताकि चोट ना लगे। जी 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 बिल्कुल। तो आप दिन भर में कितने राउंड लगा लेते होंगे शायद? 26 जी जी। सब उतना ही लगाते हैं क्या आप भी सब? एक आध दो राउंड शायद ज्यादा हो जाता होगा बस। जी ठीक है। तो जैसा कि देख रहे दोस्तों ये लेकर जा रहे हैं अभी चाचा जी से पूछते हैं ये कितना ईंट लाते हैं। चाचा जी नमस्कार। तो आप जो है कि आप भी भराई कर रहे हैं भट्टे के अंदर? तो जितना मतलब सब लाते हैं जैसे 125 ईंटें तो आप भी वही लाते हैं? सब फुल वही 125 ईंटें लाते हैं। अच्छा जी जी। तो लमसम मतलब एक ईंट का वजन कितना होता होगा कच्चे ईंट का? 4 किलो होता है जी। 4 किलो होता होगा। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों एक ईंट का वजन 4 केजी तक होता है, 4 किलो तक। और इसके ऊपर 125 ईंटें लगते हैं, कुल कितना हो जाता होगा वजन? 5 क्विंटल। अच्छा 5 क्विंटल लगभग हो जाता है। जी 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 5 क्विंटल हो जाता है। इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती होगी? कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी उनके ऊंट के पैर में देखा था लगा हुआ था, मतलब लगाए थे टीप वगैरह, तो आप क्यों नहीं लगाए हैं? फूटने का डर है जी। मेरा फूटने का डर नहीं है जी। जी जी जी। तो मजबूत भी पौष्टिक ऊंट दिख रहा है पूरा, खा पी के आप इसको मेंटेन रखे हैं खिला पिला के जी। जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों ये मेंटेन ऊंट है, मतलब कि इसका थोड़ा हेल्थ वेल्थ सब कुछ बना हुआ है, तो इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती होगी। तो इसीलिए इसके पैर में जो है कि वो क्या कहते हैं उसको टीप वगैरह नहीं लगाए हैं। तो ये चाचा जो बनाए हुए हैं ये अपने हाथ से बनाते हैं? हाथ से बनाए जाते हैं जी। जी तो चलिए दोस्तों आप लोगों को मैं भट्ठे के अंदर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ किस प्रकार जो है कि वहां पर मतलब उतारते हैं, कैसे अंदर भराई करते हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहे दोस्तों, चलते हैं वहां पर। तो जैसे कि देख रहे हैं आप लोग दोस्तों ऊंट लेकर के आ गए हैं, अभी कैसे जो है कि यहाँ पर अंदर भराई होती है मैं आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो ये चाचा आपका नाम क्या है? शोभनाथ। आप किस मतलब ये भराई करते हैं जी? 3 लोग सब लोकल ही है? सब लोकल यहीं के हैं? कौन ये जो दोनों जनों पर? जी जी दोनों लोग जो है झारखंड के, बाकी नीचे जो चाचा हैं लोकल के ही हैं। अरे लोकल मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि यहीं के हैं। लोकल मतलब ये होता है। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। तो
देखिए दोस्तों, भराई ऐसे करते हैं अंदर निकाल करके, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। एक दिन में आप लोग कितना ईंट लगा लेते होंगे? 30,000। 30,000 चार लोग? जी जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर चार जन जो है कि बेलदार हैं, और ईंट जो है कि दिन भर में 30,000 लगा लेते हैं। दोपहर भर में, दोपहर भर में यानी कि 12-11 बजे तक। जी जी, ये देखिए ये ऊँट खाली हो गया है। इसको थकाई शायद ज्यादा लग रही थी बैठे बैठे। जी जैसा कि देख रहे दोस्तों, ये खाली हो गया, अभी ले जा रहे हैं। इसमें मैं और भट्टे पे देखा था नीचे जो है कि पक्की ईंट लगाते थे। पक्की लाते थे जब रहा पानी वाली बिना दिक्कत है तब। अच्छा अच्छा, पानी दिक्कत है बरसात में, बरसात पहले चक्कर में लाते हैं, पहले चक्कर में लगाते हैं वो। अब इसे कोई प्रॉब्लम नहीं? जी जी जी, तो जैसा कि देख रहे दोस्तों, ये साइड साइड आपको दिखा, ये रस्सी क्यों लगाते हैं? ये रस्सी, हाँ रस्सी लगाई जाती है बराबर की। अच्छा, घाटे बढ़े ताकि बराबर रहे, घाटा बड़ी में ना हो। घाटा बड़ी से क्या होता है? ये देखिए दोस्तों, अंदर देखिए नाली, मतलब कोयला इसी में आएगा। अच्छा, कोयला इसी में आएगा। जी जी, जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों, ये नीचे जो आप लोग देख रहे हैं स्पेस जो है, जगह है, इसमें ऊपर से जब कोयला डालते हैं तो आ जाता है। तो ये जो देख रहे हैं, देखिए ये कोयला डालने का बना हुआ है। इधर इधर देखिए, साइड साइड देख रहे हैं वहां तक। जी, यहाँ से दिखा दिया ना, यहाँ से इधर तीन नाली ले लो, तीन नाली है। अच्छा, इधर से तीन नाली है। जी जी, ये एक नाली है, अच्छा एक ऊपर। हाँ ये दिखा जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, जी दोस्तों जैसा देख रहे हैं, ये नाली है, एक ऊपर। हाँ ऊपर भी है। तो ऐसे जो है कि बहुत ये बोल दो आग पास होने के लिए। हाँ, आग पास होने के लिए पत्ती होती है। बहुत ही माइंडेड, मतलब कि इन सभी का एक्सपीरियंस रहता है, बाकी आम आदमी कोई नहीं कर पाएगा ऐसे। भाई जिसको जानकारी रहेगी, जिसको एक्सपीरियंस रहेगा वही कर पाएगा, सब थोड़ी कर पाएंगे। तो देखिए दोस्तों, कितने मशक्कत से हम जिन घरों में रहते हैं, ईंट कैसे बनता है, इतनी मशक्कत से बनता है, और मजदूर, कई मजदूर लगते हैं एक भट्ठे पर जो है कि, और ऐसे भराई करते हैं, यहाँ से ऊंट पर लाद करके ले आते हैं। और इसके अंदर ये किस लिए है, ये भट्ठे के अंदर ये किस लिए? अच्छा अच्छा, हाँ आग। जी जी, हाँ अच्छा अच्छा, ये इसीलिए स्पेस है इधर। हाँ जी जी, ये खिंचाई करती है आग की, इसमें इसके अंदर देख रहे हैं दोस्तों। तो खोल देंगे आगे। अच्छा, ये खोल देंगे जो ईंट लगा दीवार। अच्छा, ये धुआं जो जाएगा ऊपर से, इसी के जरिए जाता है। जी जी जी, समझ गए। जैसा कि देख रहे हैं दर्शकों, आप सब
ऐसे ही जो है कि यहाँ पर भराई होती है, और यहाँ पर नहीं हर जगह होती है, मतलब कि हर भट्टे पर होती है, कुछ भट्टे पर थोड़ा अलग होता है। और देखिए पेड़ रुख पेड़ किस लिए लगा है इसे पूरा, पेड़ से कोई प्रॉब्लम जान गया है आपे? अच्छा कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब कई भट्टों पे मैं देखा हूँ पेड़ वगैरह कुछ नहीं रहते हैं। हाँ। शायद ये जो आप बता रहे हैं ये जो हाँ अच्छा 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 ये गोला भट्टा है, इसमें ईंट भी ज्यादा आता होगा, पकाई भी अच्छी होती है, पकाई भी अच्छी होती है। हाँ ईंट तो देखा हूँ, ईंट की क्वालिटी बहुत गजब की है। हाँ पकने के बाद ईंट की क्वालिटी बहुत बढ़िया है। इसको घटिया बोलते हैं तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग इसको घटिया, वो घटिया नहीं मतलब जो जो लोग सोचते हैं ये घटिया होता है, मतलब आने जाने का भट्टे का लैंग्वेज थोड़ा अलग होता है। ये वो घटिया है आने जाने के लिए, जो भराई होती है इसमें, भराई हो जाती है इससे ईंट लगा देते हैं, पूरा इसको पैक कर देते हैं। हाँ पंजाब में फंदी बोलते हैं। अच्छा पंजाब में फंदी बोलते हैं। हाँ, और उत्तर प्रदेश में घटिया। हाँ, जी जी आप पंजाब भी गए हैं? पंजाब भी गए हैं। जी जी पंजाब भी देखो इतना एक्सपीरियंस है चाचा जी का, जो है पंजाब भी जा करके जो है कि हाँ हरियाणा भी गए हैं। जी जी हरियाणा पंजाब उधर मतलब बगल बगल में ही जस्ट। जी जी तो अभी हाँ कौन बुढ़े हो गए? अच्छा आप हाँ मतलब कि एज मतलब इनकी ज्यादा हो गई, इसलिए अब लोकल में ही काम करते हैं, मतलब कि घर पे ही, मतलब ज्यादा दूर जाते नहीं, नहीं तो नहीं तो बाहर जाते थे। जी जी अभी देखिए ऊंट आ गया एक और। हाँ इसको पूछा था ताकि इनके मतलब पैर में चोट ना लगे। जी जी समझ गए। लेकिन यार कहीं ऊंट को देखा हूँ तो उसको उसके पैर में नहीं लगा है। अरे नहीं मतलब बाने रात में अपन दल दे, मतलब जो कमजोर ऊंट रहते हैं थोड़ा बहुत। हाँ अच्छा अच्छा जैसे घाव बन जाता है तब इसके बाद आप लोग ये लगा देते हैं। जी जी इनको तो समस्या तो नहीं होता होगा? नहीं जी देख रहे दोस्तों अभी ट्रैक्टर भी आने वाला है, उसको भी जो है किसी में लगाएंगे अंदर। हाँ नाली तो एकदम क्लीन है तो दिख रहा है, नाली बहुत साफ है। ये जो दिख रहा है ये ईंट का जो है कि वो है राबिस है ना, इसको राबिस बोलते हैं, इसको साफ करेंगे तभी तो भराई होती होगी। ये देखिए दोस्तों इसके जरिए जो है कि ये तसला है, तसला में ऐसे बनाए हैं ऐसे जो है कि इसको सफाई करते हैं, इसी में लाद के ऊपर ऊपर डालते हैं, सब ऊपर डालते हैं दोस्तों।